नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं रशिया, चाइना और इंडिया के एक पॉसिबल अलायंस के बारे में। देखो, हम सबको पता है कि रशिया, चाइना और इंडिया पॉसिबली आगे चल करके विद टाइम एक अलायंस बना सकते हैं वेस्ट कंट्रीज के खिलाफ, यानी कि नेटो के खिलाफ। और देखो, रशिया और चाइना दोनों कंट्रीज को बहुत बड़ी प्रॉब्लम नेटो के एक्सपेंशन से है। रशिया ने क्लियरली जो यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया है उसका भी बहुत बड़ा रीजन ये नेटो अलायंस था, यानी कि नेटो का एक्सपेंशन था जो कि रशिया की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब ये तीनों कंट्रीज, और इसमें आप ना ईरान और नॉर्थ कोरिया को भी जोड़ करके देख सकते हो कि वो दोनों कंट्रीज भी इस अलायंस का पॉसिबली हिस्सा हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम यही एनालाइज करने वाले हैं, क्योंकि हमारी एनालिसिस वाली वीडियो है, तो हम इसमें यही एनालाइज करने वाले हैं कि क्या रशिया, इंडिया और चाइना के बीच में कोई पॉसिबल अलायंस आगे चल करके हो भी सकता है या नहीं। बिकॉज आप सबको पता है कि इंडिया चाइना के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं बहुत सारे। तो क्या ये दोनों कंट्रीज कभी एक साथ मिलकर के काम कर सकती हैं? जो पुराने टाइम में एक कहावत थी कि हिंदी चीनी भाई भाई, क्या वो कहावत आगे चल करके आ सकती है? क्या उसमें रशिया मीडिएशन कर सकता है इस पूरे रिलेशन के अंदर में? इसी को समझने की कोशिश करेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बेसिस पर, जो ट्रीटीज के बेसिस पर, और आगे चल करके इनका क्या प्लान है उसके बेसिस पर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है दिया है सब टीम की तरफ से, दैट हमने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करा है, और इस व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो ये फॉलो का बटन है इस पर आप जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, तो आप इस चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आप ये बेल का आइकॉन जरूर से दबा लीजिएगा, तो जो भी रिसेंट अपडेट्स आएंगे इस चैनल पर वो आपको तुरंत मिल जाया करेंगे। अच्छा, ये चैनल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस चैनल पर जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स की हमारी लिंक्स होती है वो हम यहाँ पर डाला करते हैं, प्लस उसके साथ जो हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की लिंक होती है वो भी हम यहाँ पर इस व्हाट्सएप चैनल पर डाला करते हैं, तो जिसपे आप इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर वीडियो। देखो, सबसे पहले तो रशिया और यूक्रेन का जो इन्वेजन हुआ, मतलब जो रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, वहां पर दोनों कंट्रीज यानी कि इंडिया और चाइना ने बराबरी का साथ दिया रशिया को। इंडिया ने भले ही कम प्राइस पर तेल खरीदा रशिया से, लेकिन इंडिया ने 350% इंपोर्ट्स अपने रशिया से बढ़ा दिए। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भी 60% अपने इंपोर्ट्स रशिया से बढ़ा दिए, और ये दोनों काम इसीलिए किया क्योंकि ये दोनों कंट्रीज इकोनॉमिकली रशिया को सपोर्ट करना चाहती थी। अच्छा, इन दोनों कंट्रीज ने वैसे तो न्यूट्रल स्टांस लिया इसमें, इन्होंने कहा कि हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वॉर हो, लेकिन यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज ने बहुत माइन्यूटली आप देखो तो रशिया को क्रिटिसाइज भी नहीं किया, रशिया के स्टांस पर खड़े रहे। अब ये दोनों कंट्रीज की सपोर्ट से रशिया को सीधा सीधा ये समझ में आ चुका है कि हम पॉसिबल अलायंस तो बना सकते हैं। अब ये पॉसिबल अलायंस क्यों जरूरी है उसको समझने की कोशिश करना। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो, रशिया और चाइना ने भी हमेशा लगातार यूएस को क्रिटिसाइज किया है एक्सपेंशन के ऊपर। सीधा सीधा रशिया और चाइना का ये क्लेम है कि यूएस जो है वो नेटो को यूज करके बेसिकली यूरोप में एक्सपैंड कर रहा है, उसके बाद मिडिल ईस्ट में भी वो प्रेजेंट है, पैसिफिक में भी प्रेजेंट है, एशिया में भी बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। तो यूएस खुद एक इतना एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, वो दूसरे को कैसे क्रिटिसाइज कर सकता है? तो रशिया और चाइना बेसिकली स्टैंड पर खड़े हैं, इसमें बहुत हद तक इंडिया भी इनका साथ देता है। अब यहां से आपको समझने की जरूरत है कि रशिया के रिलेशंस इंडिया के साथ कैसे हैं, उसके बाद हम समझेंगे रशिया के रिलेशंस चाइना के साथ कैसे हैं। अगर आप इंडिया के साथ रिलेशन देखो रशिया का, तो सबसे पहले हमारा जो रिलेशनशिप सेटअप हुआ था, पहली ऑफिशियल जो ट्रीटी हुई थी वो 1971 के अंदर में हुई थी। जो पहली हमारी ट्रीटी साइन हुई थी ऑफिशियल, वो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन थी, जो कि 1971 में हमने साइन किया था, और इस टाइम पर इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। अच्छा, ये ट्रीटी साइन करने की वजह से ही, जो आपको पता है कि 1971 का जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उस वॉर में यूएस सपोर्ट करने आ गया था पाकिस्तान को, और क्योंकि यूएस ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था और करता आया था, इसीलिए रशिया ने यहाँ इंडिया के साथ ये ट्रीटी साइन की थी, और रशिया ने वहां पर इंडिया को सपोर्ट किया था, और तभी रशिया की मदद से हम 1971 का वॉर जीत पाए थे। ये बात आप सबको पता है। तो यहां से एक स्ट्रांग रिलेशनशिप डेवलप हो गया था। उसके बाद 1991 में यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, थोड़ा सा डायनेमिक्स चेंज हुई थी, लेकिन वापस से जब रशिया के साथ हमने अपनी एक और ट्रीटी साइन की, जो कि हमने साल 2000 में की थी, इस ट्रीटी का नाम था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी को ही नाम चेंज करके 2010 में नाम चेंज करके स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रख दिया गया था। और इसी ट्रीटी की वजह से जितना ट्रेड होता है रशिया और इंडिया के बीच में, वो इसी वजह से होता है। नाउ हियर, इन दो ट्रीटीज के बाद एक बहुत क्लियर, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बन गया रशिया और इंडिया के बीच में, और रशिया एकमात्र उन कुछ बहुत कम चुनिंदा कंट्रियों में से एक है जिसने इंडिया का कश्मीर का जो पूरा इशू है उसमें इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। इवन रशिया ने यूएन में भी ये चीज उठाई थी कि इंडिया को यहाँ पर एक परमानेंट पोजीशन देनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। तो रशिया हर जगह इंडिया का साथ देता आया है, और उसी साथ के बदले में इंडिया ने अभी जो रशिया यूक्रेन का पूरा वॉर चल रहा है वहां पर रशिया को सपोर्ट किया है ज्यादा इंपोर्ट्स को बढ़ा करके, और उसी तेल कर को बाहर बेच रहा है। ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। रॉसनेफ्ट नाम की कंपनी है जिसका 50% स्टेक है, और वही जो रिफाइनरी है वहां से सारा तेल बाहर यूरोप में बेचा जा रहा है। सारी चीजें मैं समझा चुका हूँ, मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप समझ लीजिएगा उसको। तो इस तरीके से इंडिया ने रशिया का सपोर्ट किया है। अब वही चाइना के साथ अगर आप रशिया की डायनेमिक्स देखोगे, तो चाइना के साथ रिलेशनशिप रशिया का बहुत खराब हुआ करता था पहले। इसके पहले जो ये ट्रीटी साइन हुई 2001 में, इसके पहले के आप रिलेशनशिप देखोगे रशिया चाइना का, तो वहां पर मंचूरिया की प्रोविंस को लेकर के काफी इश्यूज थे।
टेरिटोरियल इश्यूज थे, उसके साथ साथ इन दोनों कंट्रीज में, दोनों कम्युनिस्ट कंट्री लेकिन दोनों कंट्रीज के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो चुके हैं। 67 में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बहुत बड़ा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलते आते हैं चाइना और रशिया के बीच में, और इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बाद ये दोनों कंट्रीज साथ आई, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया 2001 में। अब ये ट्रीटी साइन क्यों किया था, इसको बहुत समझने वाली बात है। ये ट्रीटी इन दोनों ने यूएसए की वजह से साइन किया था, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज यूएसए को हेट करती थी और नेटो के एक्सपेंशन को हेट करती थी, इसीलिए दोनों कंट्रीज साथ में आ गई थी। इनकी जो रिलेशनशिप है वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वो वाली रिलेशनशिप है। तो ऐसे इनका रिलेशनशिप 2001 में शुरू हुआ। लेकिन अभी विद टाइम क्या हुआ है कि आप सबको पता है कि इंडिया जो है ऑलमोस्ट अपने 70% जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स है वो रशिया से लेता था, चाइना भी कुछ ऐसा ही लेता था। ये 2004 की फिगर्स हैं जहां पे चाइना भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट करवाया करता था, लेकिन क्योंकि चाइना ने अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप कर ली तो ये आपको एक गिरावट दिखेगी चाइना में इंपोर्ट्स में, जो रशिया से ये डिफेंस इक्विपमेंट्स करवाया करता था। अभी दोनों कंट्रीज यानी कि इंडिया चाइना का तो कमी हो गया है, इंडिया ने भी कम कर दिया क्योंकि रशियन गुड्स जो है वो थोड़े से पुराने हैं, और इसीलिए इसराइल की तरफ मूव कर गया इंडिया। यहां एक बहुत समझने वाली बात है, इसराइल अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ यूएसए। अब रशिया जब से यूक्रेन के युद्ध में गया है तब से इंडिया चाइना ने इकोनॉमिकली तो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है रशिया को, और चाइना ने जो सपोर्ट किया है रशिया को, चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, तो रशिया बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुका है चाइना के ऊपर, ओवर डिपेंड हो चुका है चाइना के ऊपर एक तरीके से, और वो किसी हालत में चाइना को छोड़ नहीं सकता है क्योंकि यूरोप के पूरे मार्केट से सैंक्शन लगा हुआ है रशिया के ऊपर में, यूएसए ने सैंक्शन ऑलरेडी लगाए हुए हैं, तो चाइना एक जो इतना बड़ा मार्केट खुला है रशिया के लिए उसको वो नहीं छोड़ सकता है। अब चाइना और इंडिया के रिलेशंस ऑलरेडी बहुत खराब है, अरुणाचल प्रदेश को क्लेम अपने मैप में दिखा दिया चाइना ने, अक्साई चीन पर कब्जा ही कर रखा है चाइना ने, तो इंडिया चाइना के रिलेशन जो है वो बहुत खराब हो चुके हैं, कई सारे क्लैशेस हो चुके हैं, हमेशा क्लैश लगातार चलते रहते हैं, डोकलाम वाला क्लैश पता ही है आपको। तो ये सारी इश्यूज की वजह से इंडिया चाइना एकदम एक साथ आना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां पर समझने वाली ये बात है कि क्योंकि रशिया की बहुत ज्यादा जरूरत है ये, अब रशिया पूरे नेटो अलायंस से अकेले नहीं लड़ पाएगा, कल भी मैंने आपको ये चीज समझाई थी, तो रशिया नीड्स फ्रेंड्स, तो रशिया नीड्स फ्रेंड्स, और रशिया के लिए सबसे अच्छी फ्रेंडशिप चाइना और इंडिया ईरान की ही हो सकती है, और इसीलिए रशिया ने हेवली आईएनएसटी कॉरिडोर में भी इन्वेस्ट करा है, और ईरान ने तो खुले मंच पर यह चीज कह दी कि जो आईएनएसटी कॉरिडोर है उसको अगर मिडिल कॉरिडोर से जोड़ सकते हैं तो वो मार्वल गेम चेंजर बन सकता है पूरे जियोपॉलिटिक्स के अंदर में। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इंडिया और चाइना की डायनेमिक्स को यहां पर समझना पड़ेगा, क्या टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को सुलझाने में रशिया कामयाब होगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो रशिया का जो मीडिएशन है वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, और इसीलिए अब टाइम ऐसा आ चुका है क्योंकि बहुत देर आप न्यूट्रल नहीं खड़े हो सकते, इंडिया या चाइना कोई भी कंट्री बहुत दिनों तक न्यूट्रल नहीं रह सकती, और ये यूक्रेन का जो वॉर है ये खींचे चला जा रहा है, और इसीलिए आप देखोगे कि इंडिया का थोड़ा सा झुकाव जो है, और इसीलिए आप देखोगे कि इंडिया का जो थोड़ा सा झुकाव है या मोदी गवर्नमेंट का जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा यूएसए की तरफ हमने टिल्ट करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन रशिया ने इसीलिए आईएनएसटी कॉरिडोर में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि वो जो ये टिल्ट है यूएसए की तरफ इंडिया का वो नहीं चाहता है रशिया, और रशिया इज ट्राइंग हार्ड कि एक अलायंस बन करके सामने आए जहां पर रशिया, चाइना, इंडिया और उसके साथ साथ ईरान और नॉर्थ कोरिया ज्वाइन कर लें। अगर ये सारी कंट्रीज ज्वाइन कर लेती हैं और मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज ज्वाइन कर लेती हैं तो ये एक बहुत बड़ा अलायंस होगा नेटो के अगेंस्ट। तो एज ऑफ नाउ दिस अलायंस इज नॉट पॉसिबल, बट आने वाले कमिंग ईयर्स में अगर रशिया का एक बहुत बड़ा रोल उसमें कर पाता है रशिया, तो ये पॉसिबल अलायंस हो सकता है इंडिया चाइना के बीच में। देखो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को सुलझाना बच्चों का खेल नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें स्टेक्स पर लगी होती हैं, पूरी गवर्नमेंट स्टेक्स पर लगी होती है। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि अपना पब्लिक का पॉपुलर ओपिनियन वो हार जाए या पब्लिक जो है उसको नकार दे और वो इलेक्शन ही हार जाए, तो क्या फायदा फिर ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सुलझाने का। तो गवर्नमेंट्स का भी अपना पर्सनल स्टेक उसमें रहता है, इसीलिए बहुत सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है वो सुलझ नहीं पाते हैं। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि कल्चर है वहां पर इंडिया की खिलाफत करने का, कश्मीर को अपना बताने का, ये सब कल्चर है वहां पर, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है वो बातें, लोगों को मजा आता है उन बातों में, तो इसीलिए सारे नेता वो बातें करते हैं इलेक्शन के टाइम पर। तो ये चीज होती है, और इसीलिए इन टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सुलझाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत पेचीदा हो जाता है। तो आई होप आपको ये पूरा इशू समझ में आ गया होगा कि ये क्यों अलायंस बनना मुश्किल है, लेकिन विद टाइम बन भी सकता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।